Hey guys, this is Arvind and आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग Samsung Galaxy M52 5G के बारे में। अब बेसिकली हमको जो M51 जो था ना वो 2020 में देखने को मिला था, अगस्त 2020 में। उससे पहले के फर्स्ट हाफ 2020 की मैं बात करूं तो Samsung की हालत बहुत बहुत खराब थी। वो इसलिए कि Samsung अपने वो पावरफुल अनकंडीशनल अनबीटेबल जो प्रोसेसर था Exynos 9611 उसी को प्रोवाइड करा दिया करता था, चाहे वो M सीरीज हो चाहे A सीरीज हो, चाहे हम खरीद रहे हो 14,000 का फोन चाहे हम खरीद रहे हो 28,000 का फोन चाहे हम खरीद रहे हो 31,000 रुपीस का फोन, मतलब उसी को ओवरक्लॉक कर देंगे अंडरक्लॉक कर देंगे और प्रोसेसर सेम। बात ये थी कि ये ही होने वाला था। अब जैसे ही M51 की खबरें आना स्टार्ट हुई कि M51 आएगा, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन होगा, लोगों को इससे उम्मीदें ही नहीं थी। लेकिन Samsung ने काफी कमाल किया, उसके साथ स्नैपड्रैगन 730G देखे और उस टाइम का सबसे बेस्ट प्रोसेसर था मिड रेंज के हिसाब से, तो वो प्रोसेसर दिया प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले हमको में देखने को मिल गई थी। और इसी के साथ 5 और 6000 mAh की बैटरी नहीं थी उसमें, 7000 mAh की एक मेजर बिग बैटरी डाली गई थी, 25 वोल्ट की चार्जिंग जो सेम Samsung अपने नोट और S सीरीज में डालता है, और वो सिंगल टेक जैसे फीचर्स भी उसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे और वो भी 22-23,000 रुपए की प्राइस रेंज में, और सेल्स में ये 20,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता। कैमरा भी बिल्कुल बेस्ट था। अब उसी का सक्सेसर हमको देखने को मिलेगा Samsung Galaxy M52 5G। ये 5G के रूप में होगा तो ये भी अपने आप में बहुत कुछ सिमेट के लाने वाला है। तो इस वीडियो में आपसे मैं डेडिकेटली इसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा इधर आपका वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है और पतली गलियों से मत निकलिए, अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए और इसी कर लिए बेल आइकन को प्रेस दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जितने भी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे लीक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बेसिकली M51 ऐसा था तो M52 5G ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसी M52 5G के बिल्ड एंड लुक की, तो ये वो Samsung के सो कॉल्ड ग्लास्टिक बैग पॉलीकार्बोनेट बैग से बना हुआ फोन होगा, वही प्लास्टिक फ्रेम्स होंगी। आगे की तरफ हमको इन्फिनिटी ओ डिजाइन में डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसी के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप होगा बैक में, 3.5mm जैक और USB टाइप सी पोर्ट हमको देखने को मिलेगा और इसी के साथ ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, सेंटर पंच होल हमको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार होने वाला है इसका कुल मिला के लुक। अभी तक मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि बेसिकली इसका फर्स्ट लुक कैसा होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई बिल्कुल 100% वो की वो ही आपको देखने को मिलेंगी साइड माउंट एंड फिंगरप्रिंट के साथ। और उसके बाद बात करूं मैं इसकी डिस्प्ले की, जो Samsung की हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है और कमाल की चीजें वही हमको देखने को मिलती हैं, चाहे कलर कॉन्ट्रास्ट हो चाहे रेजोल्यूशन हो, सब कुछ बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। और बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स वीडियोस में मैंने ये चीज देखी है कि ये A52 का रिब्रांडेड वर्जन होगा, ये TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड अपने ही हाथों अपनी सेल नहीं तोड़ना चाहेगा, तो अगेन इसमें हमको 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड प्लस एक इन्फिनिटी ओ कटआउट में डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसका रेजोल्यूशन होगा फुल HD प्लस 1080p वाला। इसी के साथ इसमें 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट हमको देखने को मिल सकती है क्योंकि यहां पे डिस्प्ले बिल्कुल वही सेम है जो M51 में हमको देखने को मिला था, लेकिन हाई रिफ्रेश रेट क्योंकि आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है तो ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। और इसी के साथ हमको ऑलमोस्ट 400 PPI डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ साइड माउंट एंड फिंगरप्रिंट होगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होगा, HDR10 को ये सपोर्ट करेगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डिस्प्ले आपको ऑलराउंडर बेस देखने को मिल जाएगा जो हमेशा किसी भी Samsung के फोन के साथ होता ही होता है। और उसके बाद बात करूं मैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, चूंकि हमको जो Samsung Galaxy M51 देखने को मिला था वो 22,000 की प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट कैमरा सेटअप को लेकर आता था, चाहे उसकी कलर ट्यूनिंग देख लो, आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग देख लो, उसके सेंसर्स देख लो, सारी चीजें ही बिल्कुल बेस्ट थी और Samsung के साथ हम ये एक्सपेक्टेशन रखते भी हैं। तो अगेन हमको 64 MP का वही क्वाड रियर कैमरा सेटअप हमको देखने को मिल सकता है जिसमें जो प्राइमरी सेंसर होगा वो 64 MP का होगा EIS के साथ, उसके बाद 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो सेंसर और 5 MP का डेप्थ सेंसर। अब यहाँ पे ये चीज Samsung की हमेशा बेस्ट लगती है कि 2 MP वाली गेमिंग इस प्राइस रेंज में नहीं खेली जाती है और ये बहुत ही कमाल की चीज है। 4K 30fps पे बैक से रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ 32 MP की हमको सेल्फी देखने को मिलेगी इन्फिनिटी ओ डिजाइन में। 4K 30fps पे हम फ्रंट से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो ये अगेन बहुत ही कमाल की चीज बन जाती है। और Samsung चूंकि अपनी ये जो मिड रेंजर सीरीज हैं, ए सीरीज, एम सीरीज, इनके साथ ना काफी प्रीमियम फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है धीरे धीरे, जैसे हमको ए सीरीज के साथ अभी OIS देखने को मिला था, IP67 वाटर एंड डस्ट प्रूफ ये देखने को मिले थे, तो कुछ ना कुछ आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो।
और उसके बाद बात करूं मैं इसी अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी M52 5G के प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो यहां पे अगेन मैं आपको बोलूंगी 2020 के मिड के बाद से सैमसंग काफी अच्छे फोन लॉन्च कर रहा है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ। तो ये वाला भी हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G के साथ देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे फोन आने वाले हैं जो हमको स्नैपड्रैगन 750G के साथ देखने को मिलेंगे सैमसंग के, और काफी सारे देखने को मिल भी चुके हैं। जैसे हमको अभी देखने को मिला था OnePlus CE 5G, उसके बाद हमको Moto G 5G, MI 10i, ये फोन देखने को मिल चुके हैं और ये भी हमको इसी प्रोसेसर पे देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है और इसी के साथ क्रायो 570 वाले कोर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें। 6GB 128GB और 8GB 128GB वाले हमको रैम वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। नोक सिक्योरिटी इसमें देखने को मिल जाएगी, जो अगेन एक सैमसंग का काफी प्रीमियम फीचर हम मानते हैं और होता भी है, मानते क्या है इसमें। और चूंकि भाई बैटल ग्राउंड इंडिया आ चुका, तो यहाँ पे हमको गेमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो एड्रेनो 619 वाला GPU आपको देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छी गेमिंग करवा सकता है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद बात करूं मैं इसकी बैटरी डिपार्टमेंट की, तो चांसेस हैं कि इस बार हमको थोड़ी सी घटके 6000 mAh की बैटरी देखने को मिले 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C 2.0 के थ्रू, और इसी के साथ NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 3.5mm जैक होगा और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बात करूं इसकी प्राइस की, तो इसका जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट होगा ना, वो ऑलमोस्ट वही 24,000 के प्राइस रेंज में हमको देखने को मिलेगा, 24-25,000, और सेल्स में ये भी बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप इसके लिए वेट कर सकते हो अगर आप सैमसंग का एक ट्रस्टेबल ब्रांड से स्मार्टफोन चाहते हो। इसी के साथ आपको 5G फोन भी चाहिए, कैमरा भी बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए और डिस्प्ले भी हाई रिफ्रेश के साथ काफी कमाल की होनी चाहिए, और एक बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग भी आपको चाहिए, मतलब एक ऑलराउंडर हो। लेकिन प्रीमियम लुक तो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो सैमसंग की एम सीरीज के साथ कभी होता ही नहीं है। इसके बाद बात करूं मैं इसके लॉन्च की, तो अगेन हमको वही टाइम मतलब अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है, मतलब अगले से अगले महीने में ये लॉन्च होता हुआ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M52 5G अकॉर्डिंग टू रूमर्स। तो आप नीचे लिख के बताओगे कितने लोग इसके लिए वेट कर रहे हो और क्यों, मतलब क्या चीज आपको M51 में अच्छी लगी थी या फिर क्या चीज आपको सैमसंग की अच्छी लगती है जिसके चलते आप इस फोन का एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और लोगे तो इसी को लोगे। तो वैसे यार आज के वीडियो में सुनते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और करना है सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।